प्रयागराज में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। 9 घंटे की पूछताछ के बाद कार्रवाई। मौके पर पूरी की गई कागजी औपचारिकता। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी का बयान दर्ज। गिरफ्तारी के बाद अब्बास को अनजान जगह पर भेजा गया। अब्बास अंसारी के वकील ने भी जगह की जानकारी से किया इंकार। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी से पहले ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। पूरा दफ्तर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। अब्बास अंसारी के ड्राइवर रवि प्रकाश शर्मा से भी ईडी ने की पूछताछ। ड्राइवर को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या। गोपाल मंदिर के पास मारी गई गोली। गोपाल मंदिर के बाहर मूर्ति के साथ बेअदबी के खिलाफ धरने पर बैठे से थे सुधीर सूरी। भीड़ से निकलकर मारी गई 5 गोलियां। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सुधीर सूरी को मारी गई गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने हमलावर संदीप सिंह सन्नी को किया गिरफ्तार। संदीप की कार पर मिला खालिस्तान समर्थक स्टीकर। खालिस्तानियों की हिट लिस्ट में थे सुधीर सूरी। परिवार वालों ने कहा शहीद का दर्जा दिया जाए। सुधीर सूरी की मौत के बाद हमलावर हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। पीएम मोदी का आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरा। सुंदरनगर और सोलन में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे सुंदरनगर में करेंगे रैली। 2:45 बजे सोलन में करेंगे जनसभा को संबोधित। हिमाचल प्रदेश से पहले पीएम मोदी जाएंगे पंजाब। डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग का करेंगे दौरा। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को बताया पीएम मोदी का घर। कहा देवभूमि पर पीएम का स्वागत है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को बताया देश की जरूरत। कहा उनकी वजह से दुनिया में सीना तान कर चल सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल में आज तूफानी दौरा। बिलासपुर के नोवा पटवार खाना कोटला और चाऊ घाट में करेंगे जनसभा को संबोधित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। पूछा पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को मिले रोजगार। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली। प्रियंका गांधी ने उठाया ओल्ड पेंशन स्कैम का मुद्दा। कहा कांग्रेस की सरकार आते ही 10 दिन में बहाल होगा ओपीएस। प्रियंका गांधी ने अग्निवीर योजना को खत्म करने का किया ऐलान। कहा 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खत्म की जाएगी अग्निवीर योजना। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा हिमाचल में पीपीई किट पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती में घोटाले हुए। प्रियंका गांधी ने कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर में किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने कांग्रेस पर धारा 370 को लेकर साधा निशाना। कहा आतंकवाद के ताबूत में बीजेपी ने ठोकरी आखिरी की। सीएम योगी ने राम मंदिर का भी किया जिक्र। कहा पूछा क्या कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बन पाता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन सरकार ने अच्छा काम किया। प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा क्योंकि राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की पहले लिस्ट जारी की। 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने पोरबंदर सीट से अर्जुन मोढ़वाडिया को टिकट दिया जबकि जामनगर नॉर्थ से भूपेंद्र सिंह चतुर सिंह जडेजा को मैदान में उतारा। चुनाव से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को करारा झटका। पूर्व विधायक इंद्रनील राजगुरु की हुई कांग्रेस में घर वापसी। सीएम उम्मीदवार नहीं चुने जाने से नाराज थे इंद्रनील। कहा बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी भी लोगों को बरगला रही। गुजरात में यशुदानी गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। नाम के ऐलान होने के बाद केजरीवाल के गले मिले यशुदान गढ़वी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को हुए चुनाव। गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। इंडिया टीवी मैटराइज ओपिनियन पोल में 119 सीट मिलने का अनुमान। गुजरात में पहले से भी घट सकती है कांग्रेस की सीटें। ओपिनियन पोल में 59 सीटें मिलने की संभावना। केजरीवाल का गुजरात में सरकार बनाने का दावा हवा हवाई। ओपिनियन पोल में सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान। नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे बड़े गेम चेंजर। 75% वोटरों ने कहा मोदी की अपील की का होगा असर। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल पहली पसंद। 69% वोटर सीएम के कामकाज से खुश या संतुष्ट। गुजरात के 28% वोटरों ने माना महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। 22% वोटर्स बेरोजगारी से परेशान लेकिन लौटेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल प्रदेश में भी होगी बीजेपी सरकार की वापसी। ओपिनियन पोल में 41 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को हिमाचल में 4 सीटों का फायदा। 21 से बढ़कर 25 सीटें होने की संभावना लेकिन नहीं बन पाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर 26% वोटर्स की पसंद। प्रतिभा सिंह को 17% ने माना बेस्ट सीएम कैंडिडेट। दिल्ली एनसीआर में आज भी लोगों को एयर पॉल्यूशन से राहत नहीं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 के बेहद खतरनाक स्तर के पास। दिल्ली के एयरपोर्ट इलाके में AQI लेवल 453। आसमान में छाई धुंध। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली से सटे इलाकों में भी आज सुबह हवा है जहरीली। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 529 किया गया दर्ज। फरीदाबाद में क्वालिटी इंडेक्स 424 के स्तर पर पहुंचा जबकि गुरुग्राम का 478 और गाजियाबाद का क्वालिटी इंडेक्स लेवल 392 दर्ज। दिल्ली में आज से अगले आदेश तक प्राइमरी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण पर मीटिंग। ग्रैप के नियम किए लागू। निगरानी के लिए बनाया 6 सदस्यों का पैनल।
दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट कंपनियों को भी जारी एडवाइजरी। गौतम बुद्ध नगर में भी ग्रेप चार लागू किया गया, निर्माण कार्य बंद, पानी के छिड़काव के लिए 136 टैंकर लगाए गए। पंजाब के संगरूर में पराली जलाने का मामला आया सामने, वीडियो में खेत में पराली जलाते हुए दिखे किसान। हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान, पराली जलाने के मामले पिछले साल के मुकाबले 28% कम हुए। पंजाब के फरीदकोट के किसानों ने बंधक पटवारी को छोड़ा, पराली जलाने का निरीक्षण करने गए थे पटवारी। NHRC ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को पेश होने के लिए कहा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर 10 नवंबर को बुलाया। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 10 नवंबर को सुनवाई करेगा कोर्ट। एम्स के पूर्व डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा, पॉल्यूशन से लोगों की हो रही है मौत, प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर। रांची में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह के घर पर छापा, इनकम टैक्स ने मारी रेड। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले तेजस्वी यादव, 2024 तक ऐसा ही होता रहेगा, हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। पायलट का नाम लिए बगैर अशोक गहलोत का निशाना, राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए लेकिन अप्रोच का तरीका सही हो। अशोक गहलोत का बयान, पहले गुजरात फिर राजस्थान भी जीतेंगे जिससे कांग्रेस को मिलेगी मजबूती। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला, सारे अधिकार सीएम के ही पास हैं तो मंत्रिमंडल किस काम का। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाऊंगा, अधिकार के मसले पर बात होगी। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के योगा पट्टी में जनता से संवाद में नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नवलपुर बेतिया रोड की हालत ऐसी कि कोई भी 5 किलोमीटर चले तो दमा हो जाए। प्रशांत किशोर ने कहा, सुबह से चले आ रहे हैं, खांसी नहीं रुक रही, घुटने तक भरी है धूल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू ने रोड शो में अज्ञात शख्स ने पथराव किया, चंद्रबाबू के मुख्य सुरक्षाकर्मी घायल। नायडू ने पहले भी सुरक्षा को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, महंगाई के खिलाफ कर रहे थे रोड शो। आजमगढ़ के जहानागंज में बैठक के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान, दो लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजित की गई थी बैठक, पूरे मामले में जांच जारी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा नाकाम नेता के करियर को बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। कर्नाटक के मंत्री ने कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताया, कहा कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता। नीतीश के राष्ट्रीय महागठबंधन को AIUDF का समर्थन, बदरुद्दीन अजमल बोले ममता और कांग्रेस भी आए साथ। आचार संहिता उल्लंघन मामले में रीता बहुगुणा समेत 5 लोग दोषी करार, 6 महीने जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप, श्रम मंत्रालय में घोटाले के आरोप लगाए। बीजेपी का दावा, 2 लाख श्रमिकों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ, दिल्ली में 3,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। दिल्ली में MCD चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 को आएंगे नतीजे। MCD चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू, 250 में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व। दिल्ली के 250 वार्ड में से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व, SC के लिए रिजर्व वार्ड में 21 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली में बनाया कचरे का पहाड़, MCD चुनाव में बीजेपी को क्यों चुनेंगे लोग। MCD चुनावों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा चुनावों में बीजेपी को फिर मिलेगा प्रचंड बहुमत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले, बीजेपी को मिलेगा दिल्ली की जनता का प्यार, हमने कोरोना में जनता का साथ नहीं छोड़ा। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे 3 युवकों पर धारदार हथियारों से हमला, पूरी वारदात CCTV में कैद। कुछ देर पहले 2 गुटों में हुई थी लड़ाई, जख्मी युवक इलाज कराने के लिए आए थे मेडिकल कॉलेज, दूसरे गुट के लड़कों ने किया हमला। घायल युवकों को इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। औरैया SP का अजब गजब कारनामा, पुलिस का रिस्पांस टाइम रियलिटी चेक करने के लिए लिखी पॉजिटिव स्क्रिप्ट। वेशभूषा बदलकर एक युवक के साथ बाइक से निकली, डायल 112 पर फोन कर झूठी लूट की घटना की जानकारी। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस, वीडियो वायरल होने पर हुआ घटना का खुलासा। शिवपुरी में गाय के बच्चों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, हादसे में 1 दर्जन गाय और बछड़ों की मौत। शिवपुरी से गुना की तरफ जा रहा था ट्रक, हाईवे पर हुआ हादसा। गौ तस्कर शातिराना तरीके से ट्रक में लहसुन की आड़ में गौवंश की कर रहे थे तस्करी, ट्रक चालक समेत बाकी के लोग फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। मथुरा के सुरीर थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की टक्कर, 4 लोग की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के इटावा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा, फरार लोगों की तलाश जारी। केरल के थालासेरी में एक सिरफिरे युवक ने नाबालिग कुमारी लात, युवक की गाड़ी में सटकर खड़ा था बच्चा। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा यहां कोई भी सुरक्षित नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को लूट खसोट वाली सरकार बताया, कहा तस्करी और स्कैम में शामिल है TMC के लोग।
2008 मालेगांव विस्फोट मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने एक और गवाह मुकरा। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। कोलकाता में बिजनेसमैन अमित अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापा, घर और दफ्तर में चला सर्च ऑपरेशन। राज्य सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, सेना की फायरिंग में 3 आतंकी घायल। मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस के रूट मार्च को दी हरी झंडी, तमिलनाडु में 50 में से 44 रूट पर मिली मंजूरी। आरपीएफ की पालघर के ग्राम प्रधानों से अपील, पशुओं को रेलवे ट्रैक से दूर रखें, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं कई मवेशी। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के असेसमेंट के लिए हाई लेवल पैनल बनाया। एमपी में महीने में एक दिन रोजगार दिवस का आयोजन, सीएम बोले नवंबर में 40,000 नौकरियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, 15 अक्टूबर को हमला हुआ था। एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान, पूरन कृष्ण भट्ट की पत्नी को दी जाएगी सरकारी नौकरी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और छत को सोने की परतों से सजाने के बाद सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एयरफोर्स तेजी से प्रगति कर रहा है। इंडियन आर्मी ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 5 मेक परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुंबई के भायखला में मिली 132 साल पुरानी सुरंग, जेजे अस्पताल में वार्ड की इमारत के नीचे मिली 200 मीटर लंबी सुरंग। उत्तराखंड के लोक पर्व जग्गास इगास को धूमधाम से मनाया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के मामले बढ़े, कुल 107 मरीज मिले, कैंप लगाकर की जा रही है जांच। डेंगू की रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रयागराज के अफसरों को निर्देश, हर वार्ड में बनाए कमेटी। हमले के बाद पहली बार सामने आए इमरान खान, कहा मुझे रैली में जाने से पहले ही पता था हमला होगा, 24 सितंबर को ही इस साजिश के बारे में लोगों को बताया। इमरान ने कहा, 4 लोगों ने मुझे वजीराबाद या पंजाब में मारने का प्लान बनाया था, मुझ पर 4 गोलियां चलाई गई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ, मेजर जनरल फैजल का किलिया नाम, कहा हमले का प्लान बनाने में राणा सनाउल्ला भी शामिल। इमरान खान की आर्मी चीफ बाजवा को चुनौती, अगर सेना की इज्जत बचानी है तो हमले की निष्पक्ष जांच करवाएं। इमरान खान का सेना पर बड़ा आरोप, पाकिस्तानी सेना लोगों को धमकाती, टॉर्चर और मर्डर करती। इमरान के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी, पाकिस्तान के रावलपिंडी में समर्थकों ने हमले का जताया विरोध। फिलिस्तीन के बालाटा रिफ्यूजी कैंप में दिखी फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स की परेड, हथियारों से लैस और मास्क लगाए नजर आए मिलिटेंट्स। फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ने लगाया था बालाटा ट्रूप का हेडबैंड, हजारों की तादाद में उड़ी भीड़ को किया संबोधित। फ्रांस में नस्लवाद के खिलाफ निकाली गई रैली, दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के एक सांसद ने संसद में की थी नक्सलवादी टिप्पणी। सांसद ग्रेगोइरे डी फोरनास ने अश्वेत सांसदों को अफ्रीका वापस जाओ कहा था, दुनिया भर में हो रही है आलोचना। यूक्रेन को अमेरिका ने और सैन्य मदद देने का किया फैसला, 40 करोड़ डॉलर की मदद का किया ऐलान। यूक्रेन के ज्यू में लोगों का किया जा रहा है डीएनए टेस्ट, मारे गए लोगों के रिश्तेदारों की तलाश के लिए हो रहा है डीएनए टेस्ट। ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बयान, यूक्रेन के साथ जंग में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बीच अमेरिका साउथ कोरिया का बड़ा फैसला, ज्वाइंट एयरफोर्स ड्रिल को बढ़ाएंगे। रेप केस में नेपाली क्रिकेटर लामी छाने न्यायिक हिरासत में भेजे गए, अंतिम फैसला आने के बाद तक जेल में रहेंगे। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो आग की लपटों में घिरा, 2 हफ्ते से जंगल की आग में सुलग रहा है पहाड़। माउंट किलिमंजारो के 33 वर्ग किलोमीटर हिस्से में फैली आग, सेना को सौंपी गई आग पर काबू पाने की जिम्मेदारी। केन्या में भारी सूखे का जंगली जानवरों पर भी पड़ा असर, कई हाथी और जेब्रा की पानी की कमी की वजह से मौत हुई। एलन मस्क का बड़ा कदम, भारत में ट्विटर में काम करने वाले करीब 250 कर्मचारियों को निकाला। एलन मस्क ने छटनी के लिए एक्टिविस्ट को ठहराया जिम्मेदार, लिखा एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने विज्ञापन दाताओं पर बनाया दबाव जिससे ट्विटर की आय में भारी कमी हुई। मुंबई में महंगाई की दोहरी मार, महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी की कीमत में किया इजाफा। मुंबई में सीएनजी 3.5 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 89 रुपए की हुई, पीएनजी की कीमत 1.5 रुपए बढ़कर 54 रुपए प्रति घन मीटर तक पहुंची। यूएस प्रतिबंधों को लेकर ईरान के राजदूत का बयान, भारत को तेल बेचने को तैयार ईरान, भारत और ईरान को अपने हित के हिसाब से रास्ता निकालना चाहिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 531 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ, आरबीआई ने जानकारी दी। अडानी ग्रुप का चेन्नई में डेटा सेंटर शुरू, अडानी एंटरप्राइजेज और एस्कोनॉक्स के ज्वाइंट वेंचर में खोला सेंटर। आरएसआईएल ने केवी कामत को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, RSIL का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विस किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हराया, सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने खेली सबसे बड़ी पारी, 35 गेंदों में बनाया 61 रन। केन विलियमसन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल का कमाल, लगातार 3 गेंदों पर लिए 3 विकेट। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले बने दूसरे गेंदबाज, T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 6 गेंदबाज बने जोशुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रनों से दी मात, ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने खेली 54 रनों की पारी, मिशेल मार्श ने बनाए 45। मैक्सवेल ने अपनी पारी में लगाए 6 चौके 2 छक्के, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान का ऑलराउंडर प्रदर्शन, नॉट आउट 48 रन बनाए 1 विकेट लिया। T20 वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, भारतीय समय के मुताबिक 12:30 शुरू होगा मैच। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सिद्रा अमीन ने रचा इतिहास, आयरलैंड के खिलाफ बनाए नॉट आउट 176 रन, पाकिस्तान की ओर से वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली महिला क्रिकेटर। स्पेन के फुटबॉलर जेरार्ड पीके ने किया संन्यास का ऐलान, 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम का हिस्सा थे पीके। भारत की पुरुष स्क्वाश टीम ने रचा इतिहास, दक्षिण कोरिया में एशिया चैंपियनशिप में जीता पहला स्वर्ण। फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराया, सौरभ घोषाल की अगुवाई में लहराया परचम। प्रियंका चोपड़ा के मिस वर्ल्ड के ताज पर 22 साल बाद उठे सवाल, पूर्व मिस बारबाडोज लीलानी मैककोनी का दावा फिक्स था ब्यूटी पेजेंट। ऋचा चड्ढा और अली फजल की पहली प्रोडक्शन फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स की शूटिंग शुरू, मां बेटी के रिश्ते पर आधारित है कहानी। मुजफ्फरनगर के ग्रैंड प्लाजा मॉल में 2 लड़कियों में जमकर मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। गाजियाबाद में आके लपटों के बीच शख्स दौड़ता रहा, हादसे को देखकर लोग हुए तंग। साइकिल पर चारा ढोते लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर शेयर किया। यूपी के बहराइच बाराबंकी नेशनल हाईवे पर टोल देने को लेकर अपना दल के विधायक समर्थकों और कर्मचारियों में विवाद, जमकर भी मारपीट, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। स्कॉर्पियो से ज्वेलर को उछलने का लाइव वीडियो आया सामने, टक्कर से उछलकर 7 फीट दूर गिरा। जानवी कपूर ने गाने पर लगाया जोरदार ठुमके, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।